हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। विंटर्स आते ही इक्वल टू कॉन्स्टिपेशन और उसके साथ साथ रात को भूख और बहुत सारी क्रेविंग्स। कुछ भी सैलेड दे दो, सूप दे दो, पेट भरता ही नहीं है और उसके साथ साथ क्या है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। रातें लंबी है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम या थोड़ा सा आपने कुछ भी स्क्रोलिंग करा और भूख लगनी चालू हो गई। फिर गए हम किचन में, उठाया हमने जो भी हमारे पास स्नैकिंग के लिए पड़ा हुआ है, चाहे वो जंक है, चिप्स है, मट्ठी है, मटर है, तोशे हैं, आपकी गज्जके हैं, जो भी आपको मिलेगा सब आप खाएंगे। और उसके बाद सुबह वेट चेक करेंगे, जी मेरा वेट ही नहीं गिरता, मेरी बॉडी गंदी है, मेरा मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं है, मैं सोई नहीं है, मेरे को नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया है, बहुत सारी चीज़ें। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ विंटर्स की 3 रेसिपी स्पेशली फॉर डिनर। अगर आप उसको अपनी डाइट में ऐड करेंगे रात को सोने से पहले एज अ डिनर, पहली चीज़ आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको भूख नहीं लगेगी, तीसरी चीज़ आप लंबे समय तक फुल रहेंगे, एंड चौथी इसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, आयरन भी है। इन रेसिपीज़ में आपको बहुत अच्छे से ये फिल कर देगा और उसके साथ साथ आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी एंड आपको बहुत सारा आयरन भी मिलेगा। ये रेसिपीज़ बहुत सिंपल है बनाना, इट्स ऑल अबाउट योर होमवर्क कि आप कितने पहले अपना होमवर्क करके रखते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ही सैटरडे संडे होता है मैं मेक श्योर रखती हूँ कि मेरी जो चटनियाँ हैं वो बना के मैं रख दूँ, क्योंकि मंडे से अगेन हमको बैक टू बैक काम होता है। साग है वो बॉईल करके हम धो के अच्छे से फ्रिज में लगा दें, ब्लेंड करके सेम पालक सेम आलू बॉईल करके रख दें। सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे होमवर्क करने से ना हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और डाइट ना करने का बहाना भी ख़त्म हो जाता है। ये रेसिपीज़ कैसे बनानी है बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी, अगर आपका होमवर्क हुआ हुआ है ना आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे ये रेसिपी बनाने में। चलते हैं किचन में और सबसे पहली रेसिपी बनाते हैं पालक और आलू की रेसिपी। सो आलू पालक के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हल्का सा तेल, तो पहले हम इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से टमाटर, मेरे एक टमाटर जितना मैंने डाला है, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, कुक होने देंगे प्याज और टमाटर को और एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले नमक, चॉप सॉल्ट, अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मेरा सूखा धनिया पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसालों को कुक होने देंगे अच्छे से ना 2 से 3 मिनट के लिए। सो ये मेरी उबली हुई धुली हुई ब्लेंड की हुई पालक है, एक कटोरी पालक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे उबली हुई। अब डिपेंड करता आप कितनी पालक यूज़ करते हो, राइट। सो ये मेरी एक गुच्छी या 2 गुच्छी जितना होगा पानी में, जितना थिक आपको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। ये एक पर्सन के लिए मैं बना रही हूँ, खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स करा। मेरे पास उबले हुए आलू पड़े थे, ये डाल दिए मैंने 2 उबले हुए आलू। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको हम पकाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। हमारा आलू पालक बिल्कुल रेडी है, इससे पेट भी भर जाएगा एंड ट्रस्ट मी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। दिस इज रेडी, वेलकम जी। नंबर 2 रेसिपी है मेरे पास यहाँ पे पम्पकिन एंड स्वीट पोटैटो की रेसिपी, बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, गरम गरम बाउल आप अपने बिस्तर में बैठ के खाओ एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से आपको फिल करेगा एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूज है इसकी। सो चलते किचन में बनाते हैं हम पम्पकिन एंड आलू की सब्जी स्वीट पोटैटो की सेकेंड रेसिपी, जो कि हमारी पम्पकिन और स्वीट पोटैटो की सैलेड। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पम्पकिन मैंने काट लिया है, ये पेठा जो मैंने लिया था, पेठा हमारा छोटू सा, एक बंदे के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि कसम से ये सैलेड मेरे घर में मेरे अलावा तो और कोई खाएगा नहीं। थोड़ा सा मैंने डाला तेल इसमें, नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मेरा थोड़ा सा जीरा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेरा पम्पकिन, आप इसमें स्वीट पोटैटो डाल सकते हैं बट मेरे पास स्टॉक में उबले रहते हैं पोटैटोज ना, स्वीट पोटैटो मेरा नॉर्मल पोटैटो, सो इसमें मैं कोई भी अभी नहीं डाल रही। अगर आपके पास नहीं उबले हुए देन आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ सॉल्ट, हल्का सा, इसको खूब अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्का सा पानी, बिल्कुल 2 चम्मच जितना पानी, 3 विसल लगाएंगे अब हम इसे, 1 तेज आंच पे, 2 कम आंच पे। सो ये रहे हमारा पका हुआ पम्पकिन, इसके अंदर अब हम डाल देंगे मेरा 1 स्वीट
पोटैटो सब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें डालेंगे जो इसके टेस्ट को और अच्छा करेगा। सबसे पहले दिस वन इज मेरा सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट इज मेरी कस्तूरी मेथी। अच्छे से इसको मिक्स करा एंड इट्स रेडी। दिस इज द मोस्ट यम्मीएस्ट सैलेड सब्जी। इसमें हम डालेंगे लेमन एंड ट्रस्ट मी बहुत बहुत ही यम्मी सैलेड है। थर्ड रेसिपी है मेरी गोभी एंड सोयाबीन की सब्जी। बहुत ही सिंपल सा बाउल है और बहुत ही यम्मी है, ट्रस्ट मी बहुत यम्मी है अगर थोड़े से मसाले आप उसमें डाल दो। कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ये सबसे पहले ऑयल, ऑयल को जैसे ही हीट हो जाएगा हमारा इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा थोड़ा सा जीरा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे प्याज। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से टमाटर। अब हम डालेंगे थोड़े से हमारे मसाले। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी मेरा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट थोड़ा सा डालूंगी सूखा धनिया पाउडर। बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स करूंगी। नेक्स्ट गोभी जो थी ना मैंने 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ गर्म पानी में सोक कर रखी थी। इससे क्या है जिन जिन लोगों को गोभी से गैस्ट्रिक बनता है वो नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ गर्म पानी में मैंने गोभी जो है वो सोक करके रख दी थी। अब ये जल्दी बन भी जाएगी। यहाँ पर मेरे पास है सोया चंक। एक्चुअली ये हम दो बंदों के लिए बना रहे हैं सो इसलिए क्वान्टिटी ज़्यादा दिख रही है। ओके सोया चंक भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमने डालना है पानी, थोड़ा सा पानी इसमें तो ज़रा 2 से 3 चम्मच जितना। अब इसको हम कुक होने देंगे अच्छे से 5 मिनट के लिए सिम आंच पे। ऑलमोस्ट रेडी। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक। सो ये रेसिपीज़ आप अपने लंच में भी ऐड कर सकते हो, आप अपने डिनर में भी ऐड कर सकते हो। विंटर्स की बतेरी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी एंड उससे आपका जो डाइट का जर्नी है, वेट लॉस का जर्नी है, वो बहुत ही स्मूथ चलेगा विदाउट एनी क्रेविंग, विदाउट एनी चीज़ें। बहुत सारे कॉल्स मैं अपने क्लाइंट्स का लेती हूँ कि यार मुझे वो खाने की क्रेविंग है, वो खाने की क्रेविंग है। आप डाइट में दोगे यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। सो दैट्स इट एंड आई सी यू सोन इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय। सो और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो होगी हमारी डिटॉक्स डाइट, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। हैप्पी हैप्पी करवा चौथ टू ईच एंड एवरी फीमेल, सब जो भी ये फास्टिंग करेंगी। एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी इट्स कमिंग ऑन थर्सडे एंड इट्स टोटली रिलेटेड टू डिटॉक्स, जो क्योंकि हम बहुत सारा खाएंगे, फेस्टिवल मनाएंगे और उसके बाद हम अपने आप का सिस्टम क्लीन भी करेंगे। सो दैट्स इट एंड आई सी यू सून। टेक केयर जी, बाय बाय।